जियो का हैंडल है जो कि आप देख रहे होंगे ये डैमेज कंडीशन में है। अभी हम इसे रिप्लेस करने वाले हैं। रिप्लेस करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा ये जियो कैसे ऑपरेट होता है। मैं रोहित यादव सुरोज इलेक्ट्रिकल सर्विसेज से। जैसे कि दोस्त आपको पता होगा मैं इलेक्ट्रिकल संबंधी कई सारे वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, तो आज आपके लिए लेकर आया हूँ जियो, जो कि हम समझेंगे कि जियो क्या होता है। इसे कहते हैं एबी जियो, मतलब एयर ब्रेक गैंग ऑपरेशन। अब किस तरीके से एक गैंग ऑपरेट करता है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे, और जियो स्विच क्या होता है, इनके अलग अलग क्या पार्ट होते हैं, उसके वर्किंग क्या होती है, वो कैसे वर्क करता है, और किसी कंडीशन में अगर जो मेंटेनेंस करना हो कितने आसानी तरीके से हम कर सकते हैं मेंटेनेंस, उसको हम जानने वाले हैं। तो इधर आप देख रहे होंगे ये जियो की हैंडल है, जो कि ये कंडीशन नहीं है इसका चलने लायक, तो इसको अभी जो है मेंटेनेंस करेंगे, इसको हम हटाएंगे और दूसरी हैंडल हम फिट करने की कोशिश करेंगे। और आप ऊपर देख रहे होंगे कि ऊपर ये जो है जियो जो है बाईपास है, मतलब जो गैंग ऑपरेशन से ये बाईपास है, सारे कंडक्टर जो है डीडी से कनेक्ट होके जा रहे हैं। तो आज आपके लिए लेकर आया हूँ जियो एबी। जियो एबी क्या होता है, गैंग ऑपरेशन एयर ब्रेक स्विच। ये स्विच क्या कार्य करता है, ये ट्रांसफार्मर और मेन फीडर के बीच ये जो है कहीं ना कहीं एक स्विच की तरह कार्य करता है। किसी भी कंडीशन में क्या होता है, जब हमें जो है ये डीडी फ्यूज होता है जिसे ड्रॉप आउट फ्यूज कहते हैं, ये फ्यूज जब है ब्लो हो जाता है मतलब कट जाता है, तो इसके द्वारा हम जो ऑफ करके सर्किट को, ट्रांसफार्मर को ऑफ करके हम डीडी फ्यूज को रिप्लेस कर लेते हैं। तो और किसी भी मेंटेनेंस कंडीशन में भी हम इसके द्वारा कार्य करते हैं कि सप्लाई को बंद कर देते हैं। कभी भी आप सप्लाई बंद करोगे तो इसको क्या कार्य करना पड़ता है, इसको सप्लाई से आउट करना पड़ता है। कभी भी ये ऑपरेट जो होता है ये जो है ऑफ लोड पर ही ऑपरेट करें, क्योंकि ये जो है एयर ब्रेक स्विच होता है, जब आप इसको लोड पे ऑपरेट करोगे तो इसमें क्या है स्पार्क होने लगता है। कभी भी आपको जियो स्विच ऑपरेट करना है तो लोड को कट करके, लोड को ऑफ करके ही ऑपरेट करेंगे। क्योंकि जो रेटिंग होती है वो अभी आप हमारे पास देख रहे होंगे ये 11 KV है, जो कि 400 एम्पीयर की स्विच है, जिसे हम समझाने की कोशिश करेंगे कि जियो स्विच क्या होता है और जियो स्विच से हमें क्या बेनिफिट है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जियो स्विच से ये बेनिफिट है कि कभी भी मेंटेनेंस के टाइम हम जो है सप्लाई को बंद कर लेते हैं केवल एक सिंगल ट्रांसफार्मर को, इससे हमारा क्या बचत होता है कि कई सारे जो है ट्रांसफार्मर ऑफ नहीं होते, वो रनिंग कंडीशन में रहते हैं, और एक मेरा ट्रांसफार्मर ऑफ करके हम आराम से मेंटेनेंस कर सकते हैं। और कभी भी हम इसको ऑपरेट करेंगे तो इसे ऑफ लोड कंडीशन में ही ऑपरेट करें, क्योंकि आप अगर जो लोड कंडीशन में ऑपरेट करोगे तो यहाँ से आप देखोगे जैसे ही कॉन्टैक्ट कनेक्ट होता है या फिर इसे हटता है तो यहाँ से स्पार्क होगा, जो कि कहीं ना कहीं लाइनमैन के लिए खतरा है। तो आप कभी भी जियो को ऑपरेट करें तो आप ऑफ लोड में ही ऑपरेट करें। तो आप देख रहे होंगे हमारे पास कुछ पार्ट हैं जिनके बारे में मैं आपको समझाने और बताने की कोशिश करूंगा, इन पार्टों का वर्क क्या है और कैसे कैसे ये पार्ट कार्य करते हैं। तो हम जानने की कोशिश करेंगे ये जो हमारे पास एक स्विच है, एक सिंगल, इसमें 3 स्विच होते हैं जो कि एक ही साथ कार्य करते हैं, इसीलिए इसको गैंग ऑपरेशन ए बी स्विच कहते हैं, एयर ब्रेक स्विच कहते हैं। तो आप एक देख रहे होंगे इसके साथ एक रोड होता है जो ये तीनों को कनेक्ट करता है एक साथ, इसमें हम यहाँ पे लगाते हैं इस रोड को हम यहाँ पे लगाते हैं, जो कि एक साथ इसे कनेक्ट करके, जिसमें आप देखेंगे इसमें यहाँ से कनेक्ट करते हैं, यहाँ से कनेक्ट करने के बाद ये जो है पाइप में कनेक्ट होता है। पाइप में कहाँ पे कनेक्ट होता है आप यहाँ देख सकते हैं, ये पाइप में यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं ये सारा असेंबल होता है, उसके बाद ये हैंडल होती है जो कि ये पोल में इस साइड से अभी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, ये पोल में लग जाता है। पोल में लगने के बाद पाइप जो है यहाँ पे कनेक्ट होता है, पाइप यहाँ से कनेक्ट होने के बाद ये जो है मैनुअली इसे ऑपरेट करते हैं, ठीक है। तो हमने जाना कि इसमें कौन कौन से एक्सेसरीज है, जिसमें इसे कहते हैं हैंडल, जियो हैंडल कहते हैं, और इसके साथ एक रॉड होता है, और इसके साथ ये होता है जो कि ये जो है रॉड और पाइप से कनेक्ट होता है, जिसे हम जियो इंसुलेटर या पोस्ट इंसुलेटर कहते हैं। वैसे हम ज़्यादातर इसे पोस्ट इंसुलेटर कहते हैं, क्योंकि ये जियो में ही असेंबल हुआ है, इसलिए हम ये जियो इंसुलेटर भी कह सकते हैं। इसके साथ ये मेल पार्ट होता है और एक फीमेल पार्ट होता है, इसमें आप देख रहे होंगे पूरी तरीके से असेंबल होता है, और इसे हम पेंटोग्राफ करते हैं, जो कि आप देख रहे होंगे कि इधर जो आर्म की तरह बना हुआ है इसे हम पेंटोग्राफ या आर्म भी कह देते हैं, और इसमें दो ये होती है कॉपर की ये मेस, वायर मेस इसे कहते हैं। वायर मेस का क्या कार्य है कि जो है सप्लाई को यहाँ से यहाँ कनेक्ट करना है। अगर जो आप देखेंगे कि ये जो हमारा जो ऑपरेशन का काम कर रहा है, जब कभी भी यहाँ से जब स्विच ऑपरेट होती है, आप देखेंगे इस तरीके से स्विच जब ऑपरेट होती है, तो ये जो है
इसको घुमाने का कार्य कर रहा है, लेकिन जो ये कंडक्टर है ये जो यहाँ से सप्लाई यहाँ पे ट्रांसफर कर रहा है, तो ये सप्लाई प्रॉपर ट्रांसफर हो सके इसलिए इसे वायर मेश को लगाया जाता है। और इसमें देखोगे आप दो दो वायर मेश लगे हुए हैं, किसी किसी में एक ही वायर मेश होता है। इसमें एक मेल पार्ट एक फीमेल पार्ट होता है जो कि आप इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। और कभी भी क्या होता है कि जब हमें ये जाम हो जाता है तो इसको हम मेंटेनेंस करते वक्त हम इसमें ध्यान देते हैं। इसमें जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो इस तरीके से यहाँ कनेक्ट है और यहाँ पे कनेक्ट है, और फिर जो ये घूम रहा है यहाँ से आप देखो यहाँ पे कनेक्ट है, तो यहाँ पे हमें ग्रीस या फिर CRC कहते हैं जो कि एक ऑयल टाइप में होता है जिसे हम लगा के इसको हम फ्री कर लेते हैं। अब यहाँ देखोगे आप जो ये मूविंग, इसे मूविंग पार्ट कह सकते हैं और ये एक स्टैटिक पार्ट होता है। मूविंग पार्ट क्या करता है, ये जो है ये ऑपरेट होता है और ये स्टैटिक रहता है। जब हम इसे कनेक्ट करते हैं तो इस तरीके से कुछ ये कनेक्ट होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं इस तरीके से आप देख सकते हो, आप जो है जियो को पूरी तरीके से फ्री कर लो ताकि ये आराम से ऑपरेशन कर सके। इसमें आप देख सकते हो हमने क्या काम करा, ग्रिप्स लगा दिया है, जो ग्रिप्स से लगा के इसके अब ये फ्री हो गया है, अब ये पूरी तरीके से वर्क कर सकता है। आप यहाँ देख सकते हो इस तरीके से आप जियो को फ्री कर लो, जब ये इंस्टॉल करने के बाद ये आराम से मूव कर सकेगा। आप इस तरीके से देख सकते हो हमने जियो कनेक्ट कर दिया है। अब हम क्या काम करेंगे, अब DD से जो जम्पर कनेक्ट है उसको हम जियो में कनेक्ट करेंगे, उसके बाद जियो से हम DD में लेकर आएंगे। तो इस तरीके से जियो हमारा लग गया है, अब हम इसको ऑपरेशन करके भी आपको अभी दिखा। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने जियो इंस्टॉल करा लिया है। हमने आपको बताया था ये अच्छी कंडीशन में नहीं है हैंडल, जिसको हम चेंज करा के आपको इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। तो इस तरीके से हमने फिक्स कर लिया है हैंडल को, इसके साथ जो है बेस चैनल होता है उसको हमने चेंज करा के अच्छी तरीके से इसे फिट कर लिया। आप ऊपर देख सकते हो कि हमने जो है चेंज करने के बाद हमने किस तरीके से कनेक्शन किया है। आपको मैंने जैसे बताया था जब हमारा जियो बाईपास था तो कनेक्शन डायरेक्ट जो है DD में आ रहा था, जियो से होकर ही कनेक्शन नीचे आ रहा है। मैं अभी आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से ये आसान तरीके से हम ऑपरेट कर सकते हैं जियो को। अगर जो सही तरीके से इंस्टॉल नहीं है तो जियो को ऑपरेट करना काफ़ी समस्या होता है, काफ़ी इसमें बल लगाना पड़ता है, उसके बाद ही ऑपरेट होता है। लेकिन मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि वन हैंड से, सिंगल हैंड से ही आप इसको ऑपरेशन करके देख सकते हो। जब आप इंस्टॉल करने जाते हो इस तरीके से तो आप जियो को अच्छी तरीके से इंस्टॉल करो ताकि ऑपरेशन करने में हमें कोई समस्या ना हो। जियो को ऑपरेट करो तो उसका लोड जो है कट करके, लोड जो है बंद करके ही ऑपरेट करना चाहिए। तो मैं अभी क्या करूँगा, लोड को पहले ऑफ करूँगा, उसके बाद ही आप जियो का ऑपरेशन करूँगा। आप देख सकते हो मैं आ गया हूँ इल्टी मेन स्विच की तरफ, यहाँ से हम लोड को ऑफ कर देंगे। लोड को बंद करने के बाद ही हम जियो को ऑपरेशन करेंगे, तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कभी भी स्विच को ऑफ करके, इल्टी मेन स्विच को ऑफ करके ही हम जो है जियो को ऑपरेट करेंगे। तो हम चलते हैं जियो की तरफ, जियो का ऑपरेशन करने जा रहा हूं। आप देखें, आप प्रॉपर खड़े हों यहां पे, प्रॉपर अच्छी तरीके से हैंडल को पकड़ें, क्योंकि अगर जो थोड़ी सी लापरवाही करोगे तो आपके ये हैंडल चेस्ट पे लग सकती है। तो इसलिए सावधानी का ख्याल रखते हुए हम जियो का ऑपरेशन करेंगे। अपने आप को सही तरीके से यहां स्टैंड कर ले। अब आप ऊपर देखोगे जियो जो है ऑपरेट हो चुका है, अभी जो है ट्रांसफार्मर हमारा बंद हो चुका है। इस तरीके से आप बंद कर सकते हो, आप देख रहे हो कॉन्टेक्ट जो है काफी दूर है। तो आप कभी भी आप जियो का ऑपरेशन करें तो उसमें यह भी देखें कि आप जब ऑपरेट कर रहे हो तो उसके कॉन्टैक्ट ऑफ करने के बाद दूर दूर रहना चाहिए इस तरीके से। तो मैं आपको अभी जो है जियो की सर्किट जो है अभी ऑफ कर दिया हूँ, मतलब ओपन सर्किट हो गया है। तो आपने ऊपर देखा होगा कि हमने जियो को ऑपरेट कर दिया, मतलब सर्किट को हमने ओपन कर दिया। अभी मैं आपको दिखाना चाहूँगा जब सर्किट को क्लोज करते हैं तो किस तरीके से हम जियो को आसानी से ऑपरेट करके हम क्लोज कर सकते हैं। आप अगर जो इंस्टॉल सही कराते हो सही तरीके से तो हम आसानी से जियो को ऑपरेट कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आसान तरीके से आप एकदम कोई भी ज़्यादा वो नहीं प्रेशर लगाना है, आसानी से आप जियो का ऑपरेशन कर सकते हो। आप देख सकते हो इस तरीके से हमने जियो प्रॉपर जो है मेल और फीमेल पोर्ट आपस में कनेक्ट हो चुके हैं। तो इस तरीके से हम जियो का ऑपरेशन कर सकते हैं। आप ऊपर देख सकते हैं कि जो पाइप है और रोड है उसके बीच में कपलिंग है, कपलिंग को क्या करा मैंने, सही तरीके से इंस्टॉल कराया। मैं अभी आपको फोटो दिखाऊंगा, उसमें आप देख सकते हो वो सही तरीके से उसे कपलिंग को इंस्टॉल नहीं किया गया था। जब हम जियो का ऑपरेट कर रहे हैं, मतलब जैसे हमने क्लोज कर दिया सर्किट, तो उसकी जो कपलिंग है पूरी सीधी हो गई, तो उसकी वजह से जियो जो है सही कंडीशन में बैठ नहीं पाता है, मतलब उसके कॉन्टैक्ट अच्छी तरीके से क्लोज नहीं हो पाते हैं। अगर जो हम उस कपलिंग को सही तरीके से लगाएंगे, जब हमारा ऑपरेट हो गया, सर्किट क्लोज हो गई, तो वो इस तरीके से दिखाई दे,
इस तरीके से क्षैतिज में दिखाई दे, तब आप समझ जाओ कि हाँ सही है, जियो का इंस्टॉल हुआ है। और कभी भी इंस्टॉल करने के बाद आप अच्छी तरीके से ऑपरेशन करके देख लें कि सही जियो इंस्टॉल हुआ ही नहीं। आपको जैसे कि पता होगा मैंने हर पार्ट के बारे में बता दिया आपको और आपको समझाने की कोशिश किया है कि हम जियो को इंस्टॉल कैसे करते हैं और जियो के अलग अलग पार्ट क्या क्या होते हैं और जियो हमें लगाने के क्या बेनिफिट है और जियो से हम सर्किट को ओपन कैसे करेंगे और जियो से सर्किट को क्लोज कैसे कर देंगे। और हमें सेफ्टी का भी ख्याल रखना है कि जियो ऑपरेट करते समय हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। इसके बाद मेरी वीडियो आने वाली है कई सारी आर्मी के बारे में, जो मैं आपको बताता रहता हूँ कि आर्मी का ऑपरेशन कैसे करें एक आसान तरीके से, ठीक है। उसके बाद मेरी एक वीडियो आने वाली है ट्रांसफार्मर की, जिसमें आपको बताने की कोशिश करूंगा ट्रांसफार्मर के कौन कौन से पार्ट हैं। इसके पहले मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है जो ट्रांसफार्मर के अलग अलग पार्ट के और उसके साथ नाम भी हैं। इसके साथ मैं वीडियो को क्लोज करता हूँ। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर जो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दिन शुभ हो।